का का ठंडी आज हमें इसी में बनाना है ये है, तो इसमें हम उसको आज दिखाएंगे। देखिए इस तरह से, देखिए इस तरह से हो गया मेरा टंगरी, जिसको तेल में ही फ्राई कर लेते हैं। इस प्रकार से मिला देते हैं, हमारा हो गया। हमने ढक्कन हटा दिए है। हेलो गाइस, मैं विजन ब्लॉग नन्नी ब्लॉग में हम आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों आज हम मुर्गा का टंगरी बनाने वाले हैं। आप लोग हमारे वीडियो शुरू से आगे बने रहे, बीच में छोड़कर ना जाए, तो हम चलते हैं बनाते हैं, आप लोग दिखाते हैं। ये देखिए गाइस, हमने लहसुन लिए है और प्याज है, तो इसको भी काटना बनाना भी है। आज हम एक रेसिपी बनाते हैं, देखिए, जो कि आज हमने लिया है मुर्गा का टंगरी। आज हमें इसी को बनाना है, तो पहले इसको चलते हैं आग पे, जो गैस के ऊपर इसको हम भूजेंगे और इसका पीस बनाएंगे काट काट कर। देखिए इस तरह से, तब चलते हैं उसको ले चलते हैं। तो देखिए गाइस, हमने जो कि गैस उधरा दिए हैं, तो इस पर हम इसको आँच दिखाएंगे। देखिए इस तरह से इसको हम लोट पलट के भूजेंगे। तो देखिए गाइस, हम इस तरह से पूरा भूज डालेंगे इसको। देखिए ऐसा हो गया। देखिए गाइस, दूसरा भी भूज रहा है, इसमें देखिए रख दिए। ऐसे ऐसे करके हम सबको भूज डालेंगे आग पे। देखिए गाइस, ये हम सबको भूज डाले हैं आग पे, इसका जो ये बुकला है, हम इस तरह से इसको देखिए सबको साफ कर डालेंगे, थोड़ा डालेंगे इसमें इस तरह से। तो देखिए गाइस, ये हमारा साफ हो गया है, देखिए किस तरह पूरा साफ हो गया। तब इसको हम हटा देते हैं, ऐसे करके सबको पूरा अच्छे तरीके से साफ कर डालेंगे हम इस तरह से ऐसे। तो देखिए, इतना हमने सबका बोकला जो कि है चाम जो उकेल दी है, ये बचा हुआ है, इसको भी हम फास्ट से कर देते हैं फटाफट करके। देखिए हम सब हो गया, ये मेरा सब कुछ हो गया है, तो इसको हम जो कि नाखून है, तो इसको हम काटेंगे अब। देखिए इस तरह से हम चाकू के सहारे से इसका नाखून काट डालेंगे इस तरह से। देखिए काट दिए, तो फटाफट फटाफट हम काट देंगे सबका नाखून। देखिए हमने काट दिए, एक और काट के दिखा देते हैं। देखिए बहुत बढ़िया है। तो देखिए गाइस, ये हमने जो कि नाखून सब निकाल दिए हैं सबका, तो हम उसको पीस बाय पीस बना लेते हैं। देखिए हम पेंसिल का सहारा लेते हैं, तो जो ये है तो हम इसमें दो भाग कर लेते हैं ऐसे ऐसे करके। देखिए इस तरह से दो भाग हो गया मेरा। देखिए हम सबको काट डाले हैं, दो पीस बचा है, तो इसको भी काट देते फटाफट हम इस तरह से। हमारा हो गया है, तब से हम धुलाई करेंगे पानी से, एक बचा है बस। तब पसल का मेरा हट गया, ये हो गया हमारा, तो उसमें पानी डाल देते हैं। देखिए दो चार पाँच से इसको मल मल के धोएंगे बढ़िया से अच्छे तरीके से। तो देखिए गाइस, हमने दो तीन पानी से धोए हैं, पानी देखिए कितना साफ हो गया है, तो इसको पानी को निकाल लेते हैं। अब हमारा हो गया है धुलाई। देखिए हम चलते हैं, ये हमारा हो गया, तो हम चलते हैं गैस के पास, इसका फ्राई करना है, बनाएंगे इसको हम। ये हमने लहसुन लिए है, लहसुन कूच दिए,
ये आदि है जो अदरक नाम से जाना जाता है। ये देखिए प्याज है, ये हरा मिर्चा लिए हैं, और ये देखिए कुछ गरम मसाला हमने, देखिए गरम मसाला है जो कि इलायची उची सब था इसमें कुछ डाले हैं, तेज पत्ता है। तो अब हम चलते हैं गैस के पास। तो देखिए गैस हमने कढ़ाई रखे हैं, कढ़ाई में तेल है, तेल गरम हो गया है, तो हमने थोड़ा सा जीरा डाल देते हैं और एक तेज पत्ता लिए है तो इसको भी इसमें ऐड कर देते हैं। अब हम इसमें देखिए हमारा जो कि लहसुन है इसको इसमें ऐड कर देते हैं, अदरक को इसमें ऐड कर देते हैं, ये मिर्चा है और ये कांदा है जो प्याज है, हम तो सबको इसमें मिक्स कर देते हैं। इसको अच्छे तरह से हम फ्राई करेंगे और उसके साथ साथ में जो कि हम देखिए गरम मसाला था मेरे पास इसको भी इसमें ऐड कर देते हैं हम। ऐसे इसको हम तो देखिए गाइस इसका कलर पूरा बदल गया है, जो हमारा लहसुन प्याज सब लाल हो चुका है, देखिए गोल्डन कलर आ चुका है जो कि हल्का हल्का आ रहा अभी। तो इसका और 1 मिनट हम भून लेते हैं आग में। तो हमारा देखिए जो कि तड़का हो चुका है, जो गोल्डन कलर पूरा हो गया अच्छे तरह से, तो जो कि हमने लिए मुर्गा टंगरी तो इसको तेल में ही फ्राई कर लेते हैं इस प्रकार से, इसको मिला देते हैं। देखिए गाइस ये हम तेल में इसको फ्राई कर दिए जो मुर्गा टंगरी लिए हम। तब हम मसाला जो लिए है देखिए धनिया है, ये गरम मसाला है जो कि राजेश मसाला है, ये देखिए लाल मिर्ची है और हल्दी है, हम सबको इसमें ऐड कर देते हैं इस तरह से। इसको हम इसमें मिक्स कर देंगे, देखिए हमारा हो गया। इसे हम थोड़ा से इसको भुजाने के लिए पानी डाल देते हैं, तो पानी हमने लिए है 1 कटोरा, तो हम पानी डाल दिए, हमारा भुजाएगा इसके लिए। देखिए गाइस से हमारा मसाला भुजा रहा है, जैसे हम नमक डाल देते हैं जरूरत के आधार पर, जितना हमारा स्वाद चाहिए उतना नमक हम डाल देते हैं इसमें। नमक हमने डाल दिया तो इसको भी इसमें जो कि मिक्स कर देते हैं और इसमें हम कुछ टाइम में ढक्कन लगा देते हैं, तो ढक कर रख देंगे और अच्छा हो जाएगा इसके लिए। देखिए गाइस ये हमारा 2 से 3 मिनट हो गया है समय, ठीक है, हम उसको उघार दिए। देखिए किस तरह से पूरा हो गया है जो कि लगने लगा, मसाला पूरा भुजा गया है। देखिए मस्त लगने लगा दसना। देखिए गाइस ये हमारा मसाला अच्छे से तरह से भुजा गया, जिसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर देते हैं इसको पकने भर के लिए। देखिए इसमें पानी डाल देते हैं थोड़ा से जो कि हमारे पकने भर पानी रहेगा। तो देखिए हमने पानी इसमें ऐड कर दिए हैं और थोड़ा सा और नमक इसमें डाल लेते हैं, जो कि नमक पहले डाले थे हम, तो थोड़ा सा और डाल देते हैं इसमें, हल्का से ऐड कर दिए। अब तो इसको हम फिर कुछ टाइम तक ढक कर रख देंगे, जो कि हमारा अब हो जाएगा तो उसको हम उघारेंगे, ढक्कन को हटा देंगे उसके बाद। देखिए गाइस जो हमने इसमें ढक्कन लगाए हैं तो ढक्कन को हम इस पर हटा देते हैं, हमारा 2 से 3 मिनट हो गया है। देखिए किस तरह से एकदम सुना जो उबाल मारा है इसमें, खोल रहा है इसको, देखिए हमारा ये होने वाला है, क्योंकि होने वाला अभी कुछ टाइम और रहने देते हैं 2 मिनट। तो देखिए गाइस ये हमारा हो गया, क्योंकि हमने इसे ढक्कन को हटा दिए है। देखिए कितना सूखा सूखा बन गया मेरा, देखने में कितना सुंदर लग रहा है, खाने में कितना मस्त आएगा एकदम सुना। कोई दोस्तों हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक कर ले, सब्सक्राइब कर ले, घंटी के निशान दबा दे। ये देखिए गाइस तो हम इसको ये हमारा हो गया, तो हम इसमें निकाल लेते हैं, देखिए कितना सूखा सूखा है इस तरह से, तो हम इसमें सब निकाल लेंगे। तो देखिए गाइस जो हमने थाली में पूरा मुर्गा का टंगरी ट्रांसफर कर लिए है और बाजू में रोटी रखे हैं, तो रोटी से या तो चावल से किसी तरह से आप लोग खाइए, बहुत मस्त लगता है। तो हम रोटी
और मुर्गा का टंगरी खाएंगे आज, जो कि देखने में कितना सुंदर है, तो मस्त लगता है खाने में। तो अपने ब्लॉग को हम इसी समाप्त भी करते हैं, नेक्स्ट ब्लॉग फिर मिलेंगे दोस्तों। तो मेरा प्यार भरल प्लॉग को, जय हिंद।